कामा कस्बा के मेन बाजार में सब्जी मंडी के पास है जितेंद्र गुलाटी की जूता चप्पल की दुकान, जिसमें ग्राहक और दुकानदार के बीच सामान लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद ग्राहक ने अपने साथियों को बुलाकर दुकानदार में जमकर मारपीट कर दी, जिसमें कई लोगों को हल्की चोट भी आई और दुकान में रखे सामान को भी बाहर फेंक दिया गया। बीच बचाव करने आए आसपास के दुकानदारों के साथ में मारपीट कर दी, जिसके बाद कामा टाउन चौकी प्रभारी हरीश चंद मौके पर पहुंचे, जहां उनके साथ भी धक्का मुक्की कर दी। विवाद बढ़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया, जिसके बाद सूचना मिलने पर DSP जनेश तंवर, थाना अधिकारी श्री मोहन मीना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाइश की और कुछ उपद्रवी लोगों को हिरासत में ले लिया। विवाद बढ़ता देख दुकानदारों ने तुरंत अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी, जिसके बाद पूर्व डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष जोहार सिंह बेडम भी मौके पर पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं व्यापारी सामूहिक रूप से एकत्रित होकर थाने पहुंच गए, जब मारपीट और लूटपाट का थाने में मामला दर्ज कराया जा रहा है। देखिए, अभी यहाँ बाजार में सरेआम लूटपाट की घटना सुनी, चूंकि मैं यही दौरे पे था। निश्चित रूप से निंदनीय अपराध है, जिस तरह से एक समुदाय विशेष के लोगों ने आकर के बाजार में व्यापारियों के साथ मारपीट की है, लूट की है। निश्चित रूप से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और उन्होंने यहाँ आकर के ये भी कहा है कि हम किसी जनप्रतिनिधि को फोन करते हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, कोई किसी जनप्रतिनिधि के घमंड में आकर के बाजार के क्या किसी आम व्यक्ति के साथ कोई अपराध की घटना करेगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वो अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा।